ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय राशि फल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष के इनको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 16 जून रविवार 2024 श्री शुभ संवत 2081 सख संवत 1946 जेठ महीना उजाला पार दशमी तिथि सूर्य मिथुन राशि में चंद्रमा कन्या राशि में आज हस्त नक्षत्र दिन में 10:03 तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा परिहार पान। कहने का अर्थ यह है आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए जरूरी है तो आप पान खाकर यात्रा आरंभ करें तो सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक, गुलिक काल दिन में 3 बजे से 4:30 तक, यमगंड काल दिन में 12 बजे से 1:30 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्यों जो भी काम राहु काल में शुरू किए जाते हैं चाहे शुभ काम हो या यात्रा हो, ये दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं उस समय आपको क्या करना है? अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं तो सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय की तरफ लेके चलते। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी कर ले। अब सवाल ये उठता है कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलके बनते हैं तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ना घबराइए, क्यों हम आपकी मदद करेंगे। देखो भाई, दो अक्षर से मिलके बनने वाला अक्षर प्रा होता है और प्रा से बहुत लोग के नाम हैं, जैसे प्रेमचंद, प्रेमनाथ। अब आपको क्या करना है तो प्रा को आप पास देखें। कहने का सीधा शर्त यह है प्रा को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलके बनने वाला छत्रा होता है और त्रा से भी बहुत लोग नाम हैं, जैसे कि त्रिभुवन, त्रिलोकी। अब आप क्या करेंगे तो भाई त्रा को आप ता से देखें। कहने का मतलब यह है त्रा को आप तुला राशि में देख लें। इसी तरह से दो अक्षर से मिलके बनने वाला अक्षर ज्ञा होता है और ज्ञा से भी बहुत लोग के नाम हैं, जैसे कि ज्ञानवती, ज्ञानेश्वर। अब आप क्या करेंगे तो भैया ज्ञा को आप गा से देखें। कहने का सीधा सा मतलब यह है ज्ञा को आप मकर राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलके बनने वाला अक्षर श्रा होता है और श्रा से बहुत लोग के नाम हैं, जैसे कि श्री राम, सृष्टि। अब आपको क्या करना तो भाई श्रा को आप शास्त्र देखें। कहने का सीधा शर्त यह है श्रा को आप कुंभ राशि में देखें, ठीक है ना। अब हम आपको आगे की कड़ी की तरफ लेकर चलते हैं, एरिस यानी मेष राशि। मेष लग्न राशि के जातकों आज
स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिएगा तथा जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी दिक्कत परेशानी आएगी, माता को कष्ट मिलने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, प्रातः स्नान के पानी में लाल चंदन का बुरादा मिलाकर आप स्नान करिएगा। तो राशि यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए सुंदर है। रुके हुए कामों में सफलता मिलने के चांस दिख रहे हैं। संतान का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए विद्या का विशेष लाभ मिलेगा। विशेष उपाय, अपनी पत्नी का अपमान न कीजिएगा। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों, आज आपके लिए शुभ है। माता पिता का सहयोग मिलेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, प्रातः स्नान करके हरे वस्त्र धारण करिए। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों, आज का दिन अच्छा बीतेगा। धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। भाग्य प्रबल है। मन खुश रहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी। विशेष उपाय, नहाने के पानी में सफेद पुष्प डाल करके आप स्नान करिए। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों, आज के दिन आप सावधान रहिएगा। नुकसान के योग दिखाई दे रहे हैं। धन का खर्चा बढ़ेगा। विशेष उपाय, नहाने के पानी में लाल पुष्प डाल करके आप स्नान करिए। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों, आज का दिन शुभ है। धन लाभ होने की योग दिखाई दे रहे हैं। मन खुश रहेगा। रोजी रोजगार में लाभ होगा। पति और पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा। विशेष उपाय, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिएगा। तुला राशि यानी लिब्रा, तुला लग्न राशि के जातकों, आज सतर्क रहिएगा। अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। पिता को सुख प्राप्त होगा। विशेष उपाय, अपने कपड़ों में अच्छा सा परफ्यूम प्रयोग करिएगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए शुभ है। धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। धार्मिक कामों में मन लगेगा। विद्यार्थियों को विद्या का विशेष लाभ मिलेगा। विशेष उपाय, अपने भाइयों का अपमान न करें। सेजिटेरियस धनुराशि, धनु लग्न राशि के जातकों, आज आयु को नुकसान पहुंचने के योग दिख रहे हैं। सावधान रहिएगा। पुरुषों की शक्ति को भी हानि पहुंचेगी। माता को सुख प्राप्त होगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने के योग दिख रहे हैं, परंतु पिता को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करिए। कैपिकार यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों, आज के दिन आपके लिए शुभ है। भाग्य प्रबल है। धार्मिक कामों में मन लगेगा। रोजी रोजगार में लाभ होगा। भाई बहन का सहयोग मिलेगा। यश मिलने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, हो सके तो काला छाता दान करिएगा। एक्वेरियस कुंभ लग्न राशि के जातकों, आज के दिन सावधान हो जाइए। आयु को नुकसान पहुंचने के योग दिख रहे हैं। दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। धन हानि होने के भी योग है। परिवार में मतभेद भी हो सकते। विशेष उपाय, सरसों के तेल का दान करिएगा। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों, आज रोजी रोजगार में लाभ होगा। पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा। विद्यार्थियों को विद्या का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन खुश रहेगा। विशेष उपाय, अपने पति का सम्मान करिएगा।
अगर अपनी राशफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपने राशफल को लग्न से देखिएगा। अगर आपको अपनी लग्न नहीं जानकारी है तो हमसे संपर्क करके अपनी लग्न की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। ताकि कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल न भूलें। आवश्यक सूचना अस्त्र का परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 98072255 23 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र कम्युनिटी सेंटर सामने पार्क के पास आवास विकास नंबर 1 कल्याणपुर कानपुर नगर। जय माता दी।